राज्य बड़ी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर लगे अतिरिक्त वैट को कम करने को लेकर अकाली दल की तरफ से आज पूरे पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसी लड़ी में जिला फतेहगढ़ साहिब में अकाली दल के नेताओं और वर्करों की तरफ से पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल और जिला अध्यक्ष स्वर्ण सिंह चनार्थल के नेतृत्व में जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर कवलप्रीत कौर बराड़ को सौंपा। श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल और अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के दिशा निर्देशों पर पंजाब भर के जिला हेडक्वार्टरों पर अकाली दल की तरफ से राज्य बड़ी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर लगे अतिरिक्त वैट को कम करने को लेकर रोज धरने दिए गए। श्रोमणी अकाली दल उन्होंने कहने मुताबिक सारे पंजाब जो पेट्रोल दीमत डीजल दीमत जो वजिया ने उन्होंने खिलाफ सरकार पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार जागरूक करने ये धरना दे रहे और सारे पंजाब सारे डीसीआ खास मैं गल कहनी चाहूँगा वो ये है कि पेट्रोल डीजल दीमत जी एस टी के पीरियड से लिया जाए ता जो पंजाब के किसान क्योंकि पंजाब के किसान डीजल अच्छा चौड़ा का मौसम है चौदह मौसम है और इन्ना महंगा पै रहा है। इस तरह जो सिलेंडर या होर मजदूर है उन्होंने भी डीजल की पेट्रोल देना होना इसलिए व्यापारी भी इसकी लोड़ है। इसलिए ये है कि सारे पंजाब के लोगों मैं इस बारे कह दिया क्योंकि सारे पंजाब जो अभी दूसरिया स्टेटा उन्होंने कंपेयर करते हैं तो पंजाब पेट्रोल डीजल का जो टैक्स है वो बहुत लगा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पंजाब सरकार को चाहिए एक कानून पास करके सेंटर को भेजे कि इन जी एस टी के घेरे में पेट्रोल डीजल लिया जाए। नंबर एक जिन्हें क्योंकि मैं समझा दूसरिया स्टेटा बराबर से जिमें पेट्रोल के उपर यह टैक्स जोड़ा वो 35% के हिसाब न टैक्स जी पंजाब गवर्नमेंट ले रही है। इस तरह 17.25% जोड़ा वो भी पंजाब सरकार डीजल टैक्स लै रही है। इसलिए पंजाब के किसान आम लोगों राहत दे ये जरूरी है कि जो पंजाब सरकार आप टैक्स ले रही है ये धरना जिहड़ा दिता जा रहा है ये पंजाब सरकार दीआं वधीकियां तो खिलाफ क्योंकि अज पेट्रोल ते डीजल ने लोगों का सारे पंजाबियों का लक टुकड़ा क्योंकि पेट्रोल ते डीजल नाल ही अज का जिहड़ा युग है इंसान है जिहड़ा उभरदा चाहे किसान होवे चाहे छोटा व्यापारी होवे चाहे मजदूर होवे चाहे विद्यार्थी साहबान हो चाहे मुलाजम साहबान हो कोई भी किरत करने वाला जिहड़ा इंसान है वो अज पेट्रोल ते डीजल तो बिना नहीं तुर सकता क्योंकि कोई साधन ही नहीं होके तुरके का कोई जा नहीं सकता ना कोई अपने मुलाजम जा सकता ना विद्यार्थी जा सकता सब ट्रांसपोर्टर भी बड़े औखे है। ये महंगाई ने लक तोड़ के रख दिता ये महंगाई पंजाब सरकार तो मंग करने वास्ते जा रही है। अज का यह जो धरना है कि इसनों इस घेरे से लिया जाए तो इसका तुरंत जोड़ा है रेट जोड़ा है डाउन किया जाए घट किया जाए ताकि लोगों बड़ा मोटा जो दुखी ने उन्होंने सहूलत मिले खास करके किसानों मजदूर को इस चीज़ की लोड़ है। तो ये धरना इस करके भी दिता जा रहा कि मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह ने अच्छ कांग्रेस का मुख्यमंत्री है कांग्रेस का राज है ये उन्हें वादा किया कि मैं जो साड़ी सरकार आऊगी मेरी सरकार आऊगी कांग्रेस की सरकार आऊगी कि मैं होर सूबा मंगू जिमें चंडीगढ़ के 8 रुपये का फर्क है 8 रुपये डीजल से पेट्रोल के फर्क है कि मैं दूर करूँगा लेकिन उन्हें किया नहीं झूठ बोलता रहा हूँ भी झूठ बोल रहा हूँ भी नहीं कर रहा इस करके इस चीज़ की असं मंग कर रहे हैं कि तुरंत जोड़ा किया जाए। साड़ी मंग है सीओ मैंबर को दिता कि जी एस टी के दायरे के आइटम्स आनिया चाहिए लगभग अद्धा टैक्स ज़्यादा
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।